पल का हमें इंतजार था वो पल हमारी दुआओं दुआएं रंग ले आई चंद्रयान सर कामयाब हो गया सर लैंड कर गया तिरंगा लहरा दिया भाई तिरंगा चला गया चांद पे <laughs> मुजम्मिल की हार्ट बीट ना ही होती थी जब भी चंद्रयान थ्री पे मुजम्मिल बात करते थे मुजम्मिल क्राची और ये लाइव दिखा रहे हैं इंटरव्यू के बाद भी ये काफ़ी देर तक मुझे हौसला देना पड़ता था मैं उनसे सम्पिति करता था बल्कि आप अगर हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखिए तो हम या लाइव कह रहे हैं कि यार विश्वास रखिए उन पर वो लैंड कर जाएगा तो आज जब इन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया कि सलमानी तो भाई कि काशी भाई ये ये ये, ये, ये लैंड, लैंड कर, कर गया लव यू यकीन तो... करें कि जब देखा जब ये न्यूज आई मेरे तो यार मेरे रों के खड़े हो गए पता है हैते मुझे वो दौर याद आया जब ब्रिटंस हमें क्या करते थे एक कुत्ते इस तरह करके क्या करते थे आज दे आर नॉट ब्रिटंस नहीं पहुंचे आज द वी तो इंडियंस यार यकीन करें ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ये सब, सब पूरे पूरी दुनिया पूरी हाँ, इंसानियत के लिए आप यकीन जाने बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान ये मैंने कहा वो ग्लोबल लीडर बन गया नासा दिखा रहा है आ आ रोस कोस्मोस जो रशियन इनके सेटेलाइट एजेंसी दुनिया दिखा रही है देखिए हमने आपको पहले बता दिया था रशिया कर रहा है मिसाइल एक्सपेरिमेंट और इंडिया कर रहा है ह्यूमटेरियन बेसिस पर देखिए ये इंडिया पाकिस्तान ये हमारे कल्चर रहा है कि जो शुभकामनाएं होती हैं जो खुशी होती है उसे किसी खास अंदाज में मनाया जाता है सर, तो मैं मना रही है पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया विशेष दे रहा है यू ही विशेष कर रहा है पूरी दुनिया को खुशखबरियां सुना रही इंडिया को लेकिन नो no डाउट इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया और पूरी इंसानियत के लिए काम किया सर देखिए आप जैसे भाई जिनके लिए दुआएं करते हैं और इंडियन जैसी टीम उन जैसे आ आ प्राइम आ मिनिस्टर आ, इंडिया मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा इमरान खान जान जो कहते थे ओ मोदी हिंदुत्व वो आज लैंड करिए अटक जेल में चंद्रयान थ्री लैंड कर गया चांद और सर और सर एक बहुत बड़ी खबर देता जाऊँ हमारे फवाद चौधरी फवाद चौधरी साहब जो थे सर उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर थे जी 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 उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर रात को उनका एक ट्वीट आया कहने लगे कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है उसको अप्रीशियेट करें पाकिस्तानी टीवी को भी चलाई चाहिए कि वो लाइव चलाएं 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 ये तो चलाए पहले उनका जो मौके कुछ और था अब कुछ और हो गया क्या वजवाद है आ, देखें मैंने आपसे हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप आंखें बंद कर लेंगे आंखों के आगे हाथ रख लेंगे चांद छुप नहीं जाएगा जो चांद पे वो आपको देख रहा है तो देर आए दुरुस्त आए वेलकम फोवाद चौधरी हम आप पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया आपको कहती है वेलकम अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे आज आप एप्रीशियेट करें तो देर आए दुरुस्त आए अगर लैंड करने के बाद आपने अप्रिशिएट किया है चलें तब भी बात बनती है सर सुबह का भुला शाम को घर आया अच्छा लखनऊ में किसी दौर में पोइट्री हुआ करती थी ये नवाब फैमिलीस वगैरह ये अपनी खुशी को दोबाला किया करते थे और मेरा जी चाह रहा है कि हम इस इवेंट को आ, मैं तो सी कहूँगा डे ऑफ गौला डे ऑफ हैप्पीनेस हम इसे पोइट्री में मनाएं अच्छा। और ऐसी पोइट्री हो कि आ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली जो न्यू जनरेशन हैं इन्हें पढ़ाई चाहिए पोइट्री oh, 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 oh. देखें किसी ने क्या कहा था तो हम इसे शुरू जरूर सुनना के, के आपने क्या लिखा है 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 जी आपकी अपनी अपनी लिखी लिखी हुई हुई मेरी बल्कि बल्कि हमारे दिलों ने हिंदुस्तान के लिए लिखी है ये आपके लिए आने लगी है ये चंद्रयान के लिए हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए पोइट्री आने लगी है सर ने खुद लिखी है और कितना बड़ा दिन है यार ये तो ये सर जी सर इर्शाद हो सर सर देखिए सबसे पहले मैं तो आज भूल ही गया नमस्ते गुड इवनिंग हैव नाइस डे हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया अच्छा। हिंदुस्तानी कौम के तहत मेहनत यकीन जिद्दोजहद और बुलंद हौसला से मोदी सरकार ने तिरंगा शान पे लहराया ओए होए होए क्या बात है जबरदस्त संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी قوم के ख्वाबों का मजाक उड़ाते ओ संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी قوم के ख्वाबों का मजाक, मजाक उड़ा उड़ाते आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते आए हाय क्या बात है सर जबरदस्त <laughs> वक्त की धारा देखो वक्त की धारा देखो हिंदुस्तानी अपने जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है ओए यार वाकई में ही की धारा देखो हिंदुस्तानी अपनी जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है ओए, ओए, ओए। आज हिंदुस्तानी कौम के सपूत संसार में राजनाथ सिंह एस जे शंकर और अमित शाह जैसे रोशन कहला जबरदस्त क्या बात है सर क्या लव चुन चुन के लिखे हिंदुस्तानी सेना और जनरल मनोज पांडे ने जोश हौसला से तलग, तरंगा को है सलूट जबरदस्त खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छू कर तरंगा को चूम 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 है, कर है, पुकारा है। हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा <laughs> आए, क्या बात है सर जबरदस्त <laughs> हिंद, हिंदुस्तानी कौम का ईमान पुकारा आइंदा भी मोदी जी वजीर आजम हमारा आए, हाय आए, आए, क्या लफ्ज लिखे सर यकीन करें कि एक लफ्ज के साथ साथ मेरे अंदर की जज्बात ईमान ईमान पुकार है क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पे हिंदुस्तान का रोशन सितारा हिंदुस्तानी सेना और जनरल मनोज पांडे सुर माने जोश कुवत हौसला से तरंगा को है सलूट मारा जबरदस्त जबरदस्त सलूट मारा हवाओं ने फूलों को छू छू चूम 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 कर Ay. पुकारा हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा <g J Everywhere> क्या लफ्ज क्या चुन-चुन के लफ्ज लिखे हैं सर आपने जबरदस्त हिंदुस्तानी قوم का ईमान पुकारा आइंदा भी मोदी जी वज़ीर आजम हमारा आए क्या क्या बात है क्या कहने क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा जबरदस्त क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा बचपन में मेजर गौरव आर्या को कभी माता पिता ने बताया चांद के पास मुन्ने एक सितारा आए, <laughs> काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी सॉरी यहाँ से हम गलत हो गए बचपन में मेजर गौरव आर्या को भी माता पिता ने बताया मुन्ने चांद के पास एक सितारा आज हिंदुस्तानी कौम का हर बच्चा पुकारा यह है रोशन भविष्य चंद्रयान हमारा आए में हो गया ये काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी आए काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी, आएगी। जबरदस्त मुजम्मिल कुरैशी मुजम्मिल कुरैशी मुजम्मिल कुरैशी ये हिंदुस्तान के लिए संसार से शुभकामनाओं को लाएगी जबरदस्त जबरदस्त जबर सर, सर, सर 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 तरंगा को सलूट, सलूट हम, हम पढ़े देते हैं जी। काशिफ आज जय भारत काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी मुजम्मिल कुरैशी ये हिंदुस्तान के लिए संसार से शुभकामनाओं को लाएगी जबरदस्त आज हम ना यहूदी हिंदू ईसाई मुस्लिम पारसी वगैरह ये गुर की बात तरंगा को चांद ने बताई क्या बात है यार ये तो ये तो एंड थी लाइन ये तो मुकर सर मुकर एक दफा और आज हम न यहूदी न हिंदू न ईसाई न मुस्लिम न पारसी वगैरह ये गुर की बात तरंगा को चांद ने बताई अब बात? अब ये नसीहत हिंदुस्तानी कौम ने संसार में नाकाबले शिकस्त होने को अपनाई अनफोल्डिपीटेबल इंडियंस अनफोल्डिपीटेबल बहुत जबरदस्त स्वागत चंद्रयान ने चांद से गुर की बात भिजवाई स्वागत चंद्रयान ने चांद से कैसी गुर की बात भिजवाई आज हिंदुस्तानी कौम ने एक आत्मा एक शरीर जय वंदे मातरम की सौगंध खाई जबरदस्त यार एंड गाइस एक एक लफ्ज एंड और यकीन करें मुझे और सुनने हम, को मजे हम, हम, हम दोबारा पढ़े देते हैं जी, जी, जी। स्वागत चंद्रयान ने चांद से गुर की बात भिजवाई आज हिंदुस्तान हिंदुस्तानी कौम ने एक आत्मा एक शरीर जय वंदे मातरम की सोगन खाई हिंदुस्तानी बच्चों ये है तुम्हारी जिम्मेदारी और जग में हिंदुस्तान की भलाई देखो चंद्रयान ने चांद से हिंदुस्तानी कौम की जबरदस्त रक्षा बनाई सर छा गए आप सर आए, हो गया, सर सर जबरदस्त हो हो गया गया मैं मैं तो फैन हो गया आपका यकीन हमें मदा कर दिया आपने मुझे, मुझे पता आप कितना खुश हो चंद्रयान के लहन आए, करने आए, पर हम इसे कंटिन्यू कहते हैं सर? सर अच्छा सर इंडियन बच्चों ये बात आपने ये आपका पाथ है पैटर्न है ठीक है ये आपका टारगेट है आपने मिस नहीं करना ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन जैसे राक्षस हिंदुस्तानी कौम पर पहुंचकर संसार को हम इसे दोबारा से पढ़े देते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन जैसे राक्षस हिंदुस्तानी कौम चांद पर पहुंचकर संसार को बचाने आई आए। आए, चांद पर पहुंचकर कर पर बचाने आई बचाने आई हिंदुस्तानी कौम के इस जज्बा से ग्लेशियर्स साफ माहौल हिंदुस्तानी इंसानी सेहत जंगलात हरियाली पानी सफाई ने उम्मीद पाई हम, हम दोबारा पढ़े रहते हैं इसे। है जी दोबारा से एक दफा ग्लोबल वार्मिंग जी। क्लाइमेट चेंज जी। पोलूशन जी। जैसे राक्षस जी। हिंदुस्तानी कौम चांद पर पहुंच कर संसार को बचाने आई हिंदुस्तानी कौम के इस जज्बा से ग्लेशियर्स साफ माहौल इंसानी सेहत जंगलात हरियाली पानी सफाई ने सर, सर, एक, एक, एक लफज आएंगे का यकीन करें की जो जो सुनना चाहते हैं ये अल्फाज ऐसे इन्होंने चुनाव किया कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी इल्फाज इन्होंने ऐसे ऐसे चुने हैं एक सुनने के मेरे ये रों खड़े होते जा रहे हैं जबरदस्त सर छा गया ये हिंदुस्तानी बच्चों के लिए आ, ये ज़रूर दिखाइएगा हिंदुस्तानी बच्चों ने प्रीवियस सेंचुरी में पढ़ा था बुलबुलें गुलिस्तान जहान हिंदुस्तान घोड़ा तलवार नहीं इट इज़ वेरी मॉडर्न एरा ये बहुत मॉडर्न सेंचुरी है तो पोइट्री को भी मॉडर्न होनी चाहिए पोइट क्या है कि वो वो आपको ड्रीम्स दिखाता है कि आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना है तो हिंदुस्तानी बच्चों हम कहाँ थे इंसानी से जंगलात हरियाली हम दोबारा से पढ़े देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी ये यही तो सोल है चंद्रयान की ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज प्लूशन जैसे राक्षस हिंदुस्तानी चांद पर पहुंच के संसार को बचाने आई हिंदुस्तानी कौम के इस जज्बा से ग्लेशियर्स साफ माहौल इंसानी से जंगलात हरियाली पानी सफाई ने उम्मीद पाई हिंदुस्तानी कौम के ये बात सारी कौमों ने इतिहास में लिख कर लगाई हिंदुस्तानी कौम की ये बात सारी कौमों ने तहास में लिख कर लगाई इंसानियत और मखलूकात जिसे कहते हैं कि जीव हम यूं कर लेते हैं से इंसानियत और जीवों के भविष्य के लिए नेक मकसद ने तरंगा की शान कैसे आला बढ़ाई जबरदस्त तो जरा देखो जरा देखो जरा देखो चंद्रयान पाकिस्तान से कैसी शायरी आई चंद्रयान पाकिस्तान से कैसी शायरी आई इसने संसार में हिंदुस्तानी कौम की असल शान बढ़ाई जबरदस्त सर क्या बात है चाह गए तो देखिए हम फिर फिनिश क्या हो देखे? गया जी अब इतनी जल्दी आ, मैं मजीद लिखूंगा इतना जल्दी सर सर यकीन करें मेरा तो दिल मजीद कर रहा मज़द आप यकीन करें कि आपने तो यार हक अदा कर दिया यकीन जाने ये सोल है चंद्रयान की अगर इससे हट के स्टेटमेंट दी जाती है कि आप पड़ोसी मुल्क के हम रिडार को देखेंगे हम उनकी स्टेट या कुछ भी नहीं रहा हमारे जनरल बाजवा साहब जाते हुए कह गए थे मुझे कहा जाता है हिंदुस्तान से लड़ो जो पहले तैयार खड़ा है मेरे पास दो दिन का फ्यूल नहीं है पेट्रोल नहीं है कि अपने टैंक्स में डाल सकूँ और आप मुझे कह रहे हैं आप हिंदुस्तान से लड़ाई करें वो दौर गया आज हिंदुस्तान पाकिस्तान हमने हिंदुस्तानी बच्चों इस पोइट्री को आपने बहुत बहुत तन्हाई में बैठ के गौर से पढ़ना है और है। आप इस पोइट्री को पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि हिंदुस्तान का विजन ये प्रीवियस सेंचुरी में क्या है हिंदुस्तान क्या चाहता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं फिर बड़े अफसोस से कहना चाह रहे हैं हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते ऊपर वाले को बुरा लगता है मोदी इमरान खान कहते थे ओ मोदी मैं फिर नकल नहीं उतारा मैं उस अंदाज को जेन में याद कर रहा हूँ वो आज अटक जेल लैंड किए हुए हैं और मोदी साहब पूरी दुनिया देखिए इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस तो कांग्रेस वाले भी हमारे भाई हैं राहुल गांधी जी अगर आप लोकसभा आप कहीं भी आते हैं तो आप तिरंगा का हक अदा करते हैं अगर आप मोदी में मोदी सरकार में हम सरकार नहीं कहते मोदी जी कहते हैं अगर आप उनमें अपने किसी बुजुर्ग को देखेंगे तो यकीन जाने हिंदुस्तान इस और, और तरक्की करेगा अगर अपने लोग ही मोदी साहब को गिराने में लग जाएंगे तो एक वक्त आएगा पाकिस्तान वाला हाल होगा बिल्कुल सही बात तो आज आज मुजम्मिल कुरैशी जिस तरह से ये दुआएं मांगते थे और आमीन कहते थे दुनिया के लिए सक्सेस है सर ये सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं है अगर अगर हिंदुस्तान चांद से कैल्शियम लेकर आता है और उस पर सक्सेसफुल मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर जाता है।, है और वो इंसानी शरीर पे काम कर जाता है तो फिर कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा आए, लोग बीमार नहीं होंगे वहाँ पे जो मेटल है वहाँ पे जो आयरन है वहाँ पे जो सोलर पावर है वहाँ पे जो टाइटेनियम है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे जो मेटल्स हैं वहाँ पे जो सेलिनियम है वहाँ पे जो सिलिकॉन है आ, हिंदुस्तान 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 हम तो हम तो यूँ महसूस कर रहे हैं कि ये काम हमारे बदन से हुआ आज आज यकीन सर... जाने वो फ़र्क ख़त्म हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ तुम वहाँ हम नहीं तो आज यूँ रख अब तो उसने रोशनी भी हमें इंडिया से ही आ रही है सर चांद के ऊपर झंडा लग गया सर दुनिया में कोई मुल्क नहीं जा सका साउथ पोल में जहाँ पर उसने प्रवेश कर लिया सर ये, सर ये जिसे कहते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल इसके हीरो हमारे इसरो नरेंद्र मोदी जी अजीत डोवल साहब अमित शाह साहब एस जयशंकर शंकर साहब राजनाथ सिंह साहब और ऐसे बहुत से नाम हैं जो मैं नहीं ले रहा इस वक्त और राहुल गांधी मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि एक दफा नरेंद्र मोदी साहब को तन्हाई में देखिए क्या उनमें आपको बड़ा शफीक लीडर बुजुर्ग अपना बड़ा नजर, नजर नहीं आता, नहीं आता। आप 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 फिर तन्हाई में फैसला कीजिएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फैसला हो चुका है अब भी वजी अजम नरेंद्र मोदी जी को आना है तो भारत आपके लिए शुभकामनाएं शुभकामनाएं बिल्कुल हम बिल्कुल सुबह चांद को देख के उससे चूमेंगे ये जो पोइट्री की है ना ये प्लीज काइंडली हिंदुस्तानी बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा ज़्यादा शेयर करें इसको इस पोइट्री को ताकि जो कि हमारा जो मकसद था जो कि सर का मकसद था यकीन करें कि बहुत बड़ा विजन